बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी रेस्ट हाउस के समीप चेकिंग अभियान चला। बताया जाता है कि शहर के सभी थानों अंतर्गत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसको लेकर कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर जनता काफी जागरूक हो गई है। कुछ लोगों में लापरवाही देखी जा रही है और विदाउट मास्क और हेलमेट की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और हजारीबाग के लिए शुभ संदेश है कि हम सभी इसी तरह गाइडलाइन का पालन करते रहे तो संक्रमण पर जीत पा लेंगे। वहीं एसआई निर्भय कुमार ने कई लोगों को चेतावनी देते हुए समझा बुझा कर भी छोड़ दिया है और ये भी कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान आम जनों की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, फाइन कटा पाना काफी मुश्किल हो गया है, दिनचर्या में भी काफी असर पड़ रहा है, इसलिए हम सब नहीं के बराबर फाइन काट रहे हैं क्योंकि जनता के बारे में हम सब नहीं तो कौन सोचेगा। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर के मास्क चेकिंग है और हेलमेट चेकिंग है, ठीक है ना? और आम जनता में क्या कुछ देखा जा रहा है कि आम जनता लापरवाही कर रही है कि कोरोना पर माने कोरोना से ज्यादा तो लोग माने कि सतर्क हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, जिनको हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि आप कोरोना में सतर्क चलें, हेलमेट लगाएं, मास्क पहनें और सुरक्षित चलें। माने कुल कितने लोगों का फाइन वगैरह काटा गया है? अभी तो कट रहा है, गाड़ी हमने लगाई है। लगभग कितने वाहनों को पकड़ा गया है? 5-7 वाहन को पकड़ा गया है, उनका चेकिंग चल रहा है। माने जैसे कि बहुत सुधार आई है और बहुत कुछ लोग बहुत कोई लोग की विदाउट हेलमेट विदाउट मास्क के देखे जा रहे हैं ना, उन्हीं लोगों को माने पकड़ा जा रहा है, हिदायत भी दी जा रही है और उनको चालान काट करके छोड़ा जा रहा है। क्या कुछ परिचय हुआ सर आपका? हमारा नाम निर्भय कुमार सिंह, बड़ा बाजार थाना से है।